दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलकाडॉट का। डॉट में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। तो दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम पॉलकाडॉट के ऊपर बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 3.92 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.5% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 3.86 से लेके 3.99 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी जो बाइंग है वो करेक्शन पे होगी। मार्केट कैप 5 बिलियन के ऊपर है, 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 196 मिलियन की है। अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, पर जैसे जैसे इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सप्लाई की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन के बारे में रीड करना चाहते हैं या कब कब मार्केट में इसकी कितनी सप्लाई आएगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फ्यूचर में ये .2.0 के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो जब इनका प्रोजेक्ट आएगा .2.0 का, तब इसके प्राइस में अच्छी रिकवरी हो सकती है। फिलहाल अभी जब ये करेक्शन जोन में है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई लगा था $54 का, जो कि हम बुल मार्केट में जाके अचीव कर सकते हैं अच्छी रिकवरी के साथ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो अब देख सकते हैं, पहले हमने डॉट का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग जो हमारा सपोर्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन है और जो रेजिस्टेंस है वो ट्रेंड लाइन है। मैंने आपको बताया था कि ये जो ओवरऑल पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का। इसमें मैक्सिमम टाइम हम अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, फिर इसी सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस हम रीटेस्ट करेंगे, देन आपको मेजर डाउनफॉल या करेक्शन मिलेगा जहां पे आपकी बाइंग हो सकती है। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री के लिए ये जोन हमारा बेस्ट था, सेकंड एंट्री के लिए जो आपको रेंज मिलेगा वो रेंज होगा 3.3 से लेके $3 का, जहां पे आप सेकंड एंट्री ले सकते हैं या फिर डीसीए कर सकते हैं। अभी हमारे ईएमएस का डायरेक्शन डाउनसाइड में है, तो मार्केट में अभी और करेक्शन आ सकता है, वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग साइड में है, तो अगर रिकवरी होती है तो हम मैक्सिमम जो अपना टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं $4 का। इसको टच करने के बाद अगेन आपको डाउनफॉल या करेक्शन मिलेगा, जब तक हमारी क्लोजिंग 200 ईएमए के ऊपर नहीं होती जो कि रेंज है 4.2 का, तब तक ट्रेंड का रिवर्सल नहीं होगा, मार्केट में अच्छी रिकवरी नहीं होगी। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली के अकॉर्डिंग भी आपको सेम ही पैटर्न देखने को मिलेगा, बट मूवमेंट क्या है, यहाँ पे हम अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर है, अभी तक हमने अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा, बट जो रेजिस्टेंस है वो आपको ट्रेंड लाइन ही देखने को मिलता है, मतलब जो पैटर्न है ना वो आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल वाला ही देखने को मिलता है डेली के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पे भी चांसेस है कि हम अपने सपोर्ट को ही ब्रेक करेंगे और सपोर्ट को ही एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करने के बाद आपको मेजर डाउनफॉल मिल सकता है, जिसका की लेवल मैंने आपको बताया, जहां पे आपकी डीसीए होगी या फिर सेकंड बाइंग होगी। अभी हमारे ईएमएस जब तक डाउनसाइड में रहेंगे तब तक करेक्शन ही होगा और इसका कोई अभी प्रोजेक्ट एक्टिव नहीं हुआ, तो प्रोजेक्ट एक्टिव होने के बाद ही ये अच्छी रिकवरी दे सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप फ्यूचर ट्रेड भी ले सकते हैं, जो जो मैंने आपको रेंज बताया है वहां पे। फिलहाल फ्यूचर ट्रेड के एंगल से अगर हम देखें तो आपका जो फर्स्ट एंट्री है वो होगा 3.8 के रेंज में और उसके बाद से सेकंड जो आपकी एंट्री होगी वो $3 के रेंज में होगी। दो पार्ट में आप ट्रेड ले सकते हैं, पर आपका ट्रेड लॉन्ग की साइड में ही होगा। तो होपफुली आपको डॉट का 4 आवर और डेली टाइम इंटरवल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम वीकली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको इम्पोर्टेंट जोन बताया था कि इम्पोर्टेंट जोन है हमारे पास 3.6 का। अगर इसके नीचे हमारी क्लोजिंग होती है तब आपको सेकंड एंट्री का या डीसीए का जोन मिलेगा। हालांकि जितनी दफा हम 3.6 के पास आए हैं मार्केट में रिकवरी हुई है। तो अभी जो डॉट का प्राइस है वो वीकली के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में जब भी हम होते हैं तो आपको लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो एज इट इज मूवमेंट के साथ करेक्शन मिल सकता है और आके हम होल्ड हो सकते हैं 3.6 के जोन में, जो कि अभी के डेट में हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। इसके ब्रेकडाउन के बाद जो मैंने आपको सेकंड एंट्री का या डीसी का जोन बताया वो मिलेगा।
अगर आपने गलती से हाई प्राइस में डॉट को बाय कर लिया है तब भी जो आपका डीसीए या सेकंड एंट्री है उसी के नियर अबाउट जाके ट्रेड आप ओपन कर सकते हैं लॉन्ग की साइड में या फिर स्पोर्ट में है तो और बाइंग कर सकते हैं। इससे पहले आपने कोई भी फॉर्म ऑफ एंट्री नहीं लेनी, मतलब स्टिल जो आप अभी प्राइस देख रहे हैं डॉट का यहाँ पे आपकी बाइंग नहीं होगी, आपने वेट करना है यहाँ पे डाउनफॉल का या करेक्शन का, तभी आपको बाइंग का रेंज मिलेगा। दोनों रेंज मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कहाँ कहाँ आप अपनी बाइंग कर सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे बाइंग करके एटलीस्ट आप इसको 2025 के लिए होल्ड करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं उसके नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।